Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic, real number. So how we define real number? Real number is a value of a continuous quantity that can represent a distance along a line. तो क्या होता है रियल नंबर? एक वैल्यू होती है ऑफ अ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी जो क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस अलोंग अ लाइन. ठीक है. द रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रैशनल नंबर सच एज द इंटीजर लाइक -5 एंड फ्रैक्शन लाइक 4/3 एंड द इरेशनल नंबर लाइक √2 एंड √3 एटसेट्रा. जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, उनमें क्या इंक्लूड्स होते हैं? हमारे पास रेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इरेशनल नंबर. इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 0, -1. इंटीजर्स आपके पास ये होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं आपके पास. और फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है? जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन आपके पास 4/3 लाइक. एंड आपके पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स लाइक √2, √3 एटसेट्रा. इन दिस चैप्टर वी बिगन विद टू प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नेमली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इस चैप्टर में हम किससे स्टार्ट करेंगे? दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास किसके? पॉजिटिव इंटीजर के, जिनका नाम क्या है? एक का नाम है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेकंड हमारे पास क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो क्या होता है हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो ये क्या कहता है? इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव नंबर बी. आपके पास क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, और वो किससे डिवाइड होता है? दूसरे पॉजिटिव इंटीजर, अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी से, इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, दैट लीव्स अ रिमाइंडर आर. जो क्या लीव करता है, क्या छोड़ता है हमारे पास? लास्ट में रिमाइंडर बचता है दैट इज स्मॉलर देन बी. और जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा? स्मॉलर देन बी होगा. वो बी से क्या होगा? आपका लेस होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? यूज इट मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर. इस एल्गोरिथम को, जो आपके पास ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसे किस लिए यूज किया जाता है? हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंप्यूट यानी कि फाइंड करने के लिए किया जाता है. ठीक है. एचसीएफ आपके पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? 1365 एंड 126. आपके पास ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसे आपको सॉल्व करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से. आपके पास ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसे आप किसे सॉल्व करोगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से. तो देखो कैसे करते हैं. आपके पास क्या है? 1365 एक टर्म दे रखी है. नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखी है? 126. अब क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे. सिंपली आप जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करेंगे हम. तो 126 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 126 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 600 and 621. हमारे पास क्या आएगा? 1260. सो दिस 1260. नेक्स्ट हमारे पास माइनस करने भी क्या आया? 5, 0 and 1. तो हमारे पास जो डिवीजन में थी 126, वो आपका क्या आ जाएगा? फिर से डिवीजन में आ जाएगा. मतलब क्या है कि आपके पास जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो टर्म आपके पास किस में आ जाएगी? डिविडेंड में आ जाएगी. जो आपके पास ये बीच में आपके पास ये होगा ना डिविडेंड, उसमें आ जाएगी. ठीक है. तो आपके पास किससे आप करोगे डिवाइड? फिर 105 से करोगे. देन 105 into 1, क्योंकि आप 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो आपका ज्यादा जाएगा. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 210. अगर 210 आएगा तो आपके पास 120 से 210 बढ़ा है, तो इसीलिए आप क्या करोगे? 1 से ही कर दोगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 105. नेक्स्ट आप क्या करोगे? आपके पास माइनस करने पे क्या आया? 21. सिमिलरली फिर से आप डिवाइड करोगे जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, सामने वाली टर्म. तो आपके पास यहाँ पे फिर से 105, 21 इंटू 5 आपके पास क्या होता है? 105. देन रिमाइंडर इज 0. ठीक है. तो ये आपकी डिवीजन क्या थी? बिल्कुल सिंपल थी, बट थोड़ी सी डिफरेंट थी कि आपके पास क्या था? आपने यहीं पे आगे इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स डेसिमल में लेने की बजाय, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? 105 बचता है, और 126 आपका क्या है? बड़ा है. तो इसलिए आपने फिर से 126 यानी कि आपने क्या लगाया? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाला मेथड लगाया. ठीक है. अब इसी डिवीजन के थ्रू हम जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखो कैसे.
आपके पास क्या है 1365 यानी कि 1365 एंड 126, ये आपके पास दे रखा था एग्जांपल। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, इसको इस फॉर्म में लिखोगे। आपके पास जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आपकी ये फॉर्म होती है। यानी कि जो ए आपके पास होता है वो क्या होता है, आपका जो डिवाइड के अंदर होता है, यानी कि आपके पास ये होता है। नेक्स्ट आपके पास जो बी होता है वो क्या होता है, आपका बाहर होता है। और आपके पास जो क्यू होता है वो यहाँ होता है, एंड जो रिमाइंडर आता है वो आपका ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, 126 आया था, मल्टीप्लाई में आपके पास 10 आया था, एंड यहाँ पे आपका क्यू होता है, टाइम की जगह पे आपके पास क्यू आएगा, और आपके पास जो रिमाइंडर बचा था 105, जो आपने ये डिवीजन की थी इसके बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया था, 126 में आपके पास 105 इंटू 1 प्लस 21। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे जब तक आपका जीरो नहीं आ जाता, रिमाइंडर हैज बिकम जीरो, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। एंड नाउ वी कांट प्रोसीड एनी फर्दर, और हम अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, प्रोसीड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। जब तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन स्टॉप नहीं करेंगे, और जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम आगे प्रोसीड करना क्वेश्चन को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। एक और एग्जाम्पल देखो क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, वेयर क्यू क्या है, आपके पास सम इंटीजर है। लेट कर लिया आपने ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल्स टू 6। सो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से आप क्या करोगे, ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, यानी कि बी क्यू प्लस आर, आर आपके पास क्या है, रिमाइंडर। और आपके पास जो रिमाइंडर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, जीरो और सिक्स के बीच में लाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका बी जो है वो क्या है, सिक्स है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो किससे लेस होता है, आपके पास बी से लेस होता है, तो इसलिए आपके पास जीरो से फाइव के बीच में लाई करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 6q और 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ऑल्सो 6q प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखोगे, तो आपके पास बी क्या है 2 एंड क्यू क्या आपके पास 3q प्लस आर, आर आपके पास क्या है 1। सो आपने K1 किसको डिनोट किया यहाँ पे, 3Q, K क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 2 प्लस 1, 6Q प्लस 4 प्लस 1, 2 3Q प्लस 1, 2 3Q प्लस 2 प्लस 1, K2 एंड K3 से हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया इस टर्म को, ठीक है। तो वेयर के, के टू एंड के थ्री आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2K प्लस 1, आपके पास जो ये टर्म्स हैं वो किसके फॉर्म में है, 2K प्लस 1 की फॉर्म में है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर ऑड नंबर, जो ये एक्सप्रेशंस हैं वो किस नंबर्स के हैं, ऑड नंबर्स के हैं। ऑड इंटीजर किस तरह से एक्सप्रेस किए हुए हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 की फॉर्म में। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक क्या बताती है, इट सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब क्या है कि हर कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है कि फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो उनका प्रोडक्ट किसके क्या आता है, हमारे पास प्राइम का प्रोडक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, देखो क्या है आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल है 32,760 आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इसका हम नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं, मैंने वैसे एलसीएम लिया, ये स्ट्रक्चर आप बना लेना, नॉर्मल मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आता है, सो वी हैव 32,760 के आपके पास फैक्टर क्या बनते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये किसके किसके प्रोडक्ट है आपके पास, प्राइम के, 2, 3, 5, 7, 13 आपके पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। देन आप क्या करोगे, इनकी पावर, 2 की पावर आपके पास क्या है, 2 कितने बार आपके पास 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। नेक्स्ट आपका 5 प्रोडक्ट में 7 × 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, यानी कि आपके पास जो प्राइम्स है आप क्या है, पावर्स में है। तो ये था आपका एक एग्जांपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आपके पास जो एलसीएम होता है उसे फाइंड करना है। तो कैसे करोगे,
वी हैव सिक्स, सिक्स का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, टू और थ्री के फैक्टर्स बनेंगे। आप 20 का बनाओगे एलसीएम तो आपके पास किसके फैक्टर बनेंगे, टू इंटू टू इंटू फाइव, आपके पास ये फैक्टर बनेंगे तो आपके पास टू की पावर टू एंड फाइव की पावर वन। एचसीएफ में आपके पास क्या होगा कि सिक्स और ट्वेंटी का एचसीएफ आपके पास आया टू एंड सिक्स और ट्वेंटी का एलसीएम आपके पास क्या आया सिक्सटी। तो आपके पास जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। प्रोडक्ट किसकी है, स्मॉलेस्ट पावर जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो नंबर में आपके पास क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर है वो। और एलसीएम आपके पास क्या है, टू रेज टू पावर टू इंटू थ्री रेज टू पावर वन इंटू फाइव रेज टू पावर वन, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जो आपकी प्रोडक्ट किसकी ग्रेटेस्ट पावर की, आपके पास ग्रेटेस्ट पावर किसकी है टू रेज टू पावर टू की है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, और हर प्राइम फैक्टर जो आपके पास नंबर्स में इन्वॉल्व है। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टॉपिक और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सो इनके बेस पे जो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, टेंथ एनसीईआरटी क्लास टेंथ मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2। तो उनके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। थैंक यू।